महामारी रूप रंग जात कही भन्द न इसलिए सब मानस डराइस कोरोना को त्रास सब मानस डराइस कोरोना को त्रास धन्यवाद कार्यक्रम संचालक उद्घोषक जी आदरणीय इस सभा सभाध्यक्ष जीव प्रमुख अतिथि जीव और विशेष अतिथि जीव तथा निष्पक्ष निदायक मंडल जीव रहे उपस्थित होगा गुरुवर्ग लगायत संपूर्ण मेरा प्रतिस्पर्धी साथी मालन माध्यमिक विद्यालय में अधीनत छात्र अंजलि गुरुङको तर्फबाट दुवाचरी नमस्कार। आज मिति 2077 साल चैत महीना 20 गते को दिन इस विपद व्यवस्थापन हल में होना गई वक्तृत्व कला प्रतियोगिता में मैं सहभागी भई हजार सामू में मेरा मन में लगा दुई चार शब्द प्रकट कर पाऊँ आपूल आपने निके भाग्यशाल ठाकी छु। आज को इस वक्तृत्व कला को शीर्षक COVID-19 शिक्षा में अवसर चुनौती सभापति महोदय सर्वप्रथम पर्सुतर्फ बढ़ना चाहूँ। COVID-19 भन्ना सन् 2019 चीन को वुहान बट फैलि एक सूक्ष्म जीवाणु जिससे विश्व में एक महामारी को रूप लिखे थी और मानव को स्वास्थ्य प्रणाली में निकल असर पुराई थी भन्ने बुझी। COVID-19 को शाब्दिक अर्थ को बट कोरोना भी बट भाइरस डी बट December 2019 भन्ने सन् 2019 बट शुरू चीन को वुहान बट शुरू हो इस भाइरस ने अभी विश्व का अधिकांश देश असर पुराई सकता इसलिए हालसम विश्व का 12 करोड़ भन्दा बड़ी जनसंख्या प्रभावित पारे विश्व का 28 लाख भन्दा बड़ी मानस कोरोना का कारण जान गुमा पड़ सकता। हम देश नेपाल इस महामारी असर रहना सकेन सभापति महोदय हम देश नेपाल लगभग 2 लाख भन्दा बड़ी मानस इस रोग प्रभावित होने पुगे 3 हजार भन्दा बड़ी मानस इस रोग बाट मृत्यु होने पुगे थे अभी हम देश नेपाल विश्व का अधिकांश देश इस रोग का फंदा में पड़ रखा लकडाउन के समय में इस रोग को निण करना का विभिन्न देश का वैज्ञानिक खोप तथा औषधि अनुसंधान करने तर्फ लगे तर उ खोप तथा अनुसंधान पत्ता लगन न सके कारण धेरे मानस ने जान गुमा बाध्य भैया थे। तर खुशी को कुरो के विश्व का विभिन्न वैज्ञानिक विश्व का विभिन्न देश का वैज्ञानिक कोरोना को पत्ता लगाई सकते विश्व का धेरे देश में आयात कर सकते हम देश नेपाल विभिन्न देश को सहयोग और अनुदान में कोरोना को खोप आई सकते देश को 4 लाख भन्दा बड़ी मानस कोरोना को खोप लाई सकता समग्र में भन्दा कोरोना को महल विश्व में सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक औद्योगिक और शैक्षिक क्षेत्र में निके प्रभाव पारे शैक्षिक क्षेत्र में इसलिए निके विकराल रूप खड़ा विश्व में रहकर धेरे बाल बालिका को शैक्षिक मनस्थिति में असर पार पुगेका छन्। हम देश नेपाल इसलिए विश्व में शैक्षिक असमानता बाल विवाह बाल मजदूरी बाल हिंसा और कमजोर स्वास्थ्य अवस्था जस्ता विभिन्न जोखिम खड़ा करें हम देश नेपाल इस जोखिम बट अछूत रहने सके हम देश नेपाल विक्रम संवत 2076 को 11 गते संपूर्ण क्षेत्र में लकडाउन भएको थियो जिसके हम देश को शैक्षिक संस्था बंद भएको थिए जिसका निमित्त हम देश नेपाल शैक्षिक सत्र 2076 को वार्षिक परीक्षा सब स्थगित करे इसलिए हम विद्यालय को कहीं मानसपटा में कस्त अर्थ पुराई आप सोच सभापति महोदय हजारों विद्यार्थी आपको सुनौलो शैक्षिक भविष्य कस्त होने अन्न में पड़े हम देश नेपाल ये विभिन्न कोरोना के कारण शैक्षिक क्षेत्र में असर प्रभाव अवसर और चुनौती पड़ रखा कोरोना ने हम संपूर्ण विद्यार्थी घरमें बसर अनलाइन कक्ष सिक्यो घरमें बस शिक्षा आर्जन कर सकने रहे हम हम मनस्थिति में शिक्षा आर्जन गये हमें घरमें बस भजन कक्षा कर शिक्षा आर्जन गये तर इसको इसको अवसर यह मान सकता इसको चुनौती भी इसको कारण बाल बालिका पढ़ने आपका आमा बुआ मोबाइल लग्न तर बाल बालिका ये लकडाउन के समय में यह कोरोना को कारण पढ़ना को नाम लिये विभिन्न फेसबुक टिकटक ऑनलाइन गेम पब्जी फ्री फायर खेल तो बाध्य भैया थे विद्यार्थी को शिक्षा में असर पड़े थी हम देश में अभी कोरोना पूर्ण रूप में गई सको भाई यो अभी इस कारण हम संपूर्ण व्यक्ति स्वास्थ्य मापदंड अपनाएर मास्क लगाई भौतिक दूरी कायम करें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर भन्ने तथ्य मन में लेकर सदै अघि बढ्नु पर्दछ। सभापति महोदय अंतिम में केवल हमें हम मन अगर बोले इसको विरुद्ध लड़न सकने क्षमता को वृद्धि करूर्ने कोरोना बट हमें पार सीखना आवश्यक हमने कोरोना हमें ये कोरोना पार सीखना आवश्यक प्रविधि वातावरण में हमें शिक्षा लेना आवश्यक में
पनि प्राचीन गुरुकुल अन्त्य गरी नयाँ शिक्षा विकास गर्न आवश्यक छ भन्दै स्वस्थ रहौ सचेत बनाऊ र शिक्षित बनाऊ भन्दै मेरा यी दुई चार शब्दहरूलाई हजुरहरूको तर्फबाट एकजनालाई चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।